भारतीय नौसेना को पहली महिला पायलट मिल गई है। नाम है शिवांगी सिंह। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कोची में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौसेना के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में उड़ान भरने के लिए तैयार हुई हैं। नेवी में पहली महिला पायलट बनने के बाद सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने कहा कि इसके लिए मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया। ये बेहद शानदार अनुभव है। अब मैं तीसरे स्टेज की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए काम करूंगी। नौसेना के मुताबिक सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन का 27वें एनओसी कोर्स ज्वाइन किया था और पिछले साल यानी जून 2018 में केरल के एझीमाला स्थित इंडियन नेवल एकेडमी में अपनी कमीशनिंग पूरी कर ली थी। करीब 1.5 साल पायलट की ट्रेनिंग करने के बाद 2 दिसंबर को शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। टुडे मॉर्निंग वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड दैट वी हैव बीन एबल टू अवार्ड विंग्स टू द फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। दिस हैज बीन इन द वर्क्स फॉर सम टाइम नाउ एंड almost 2.5 years ago these officers were inducted into the naval academy and after completing their basic training at the naval academy moved on to the air force academy for their basic flying training and have now completed the phase 2 of their operational flying training and they have been awarded wings and from here on they would move on for further the phase 3 training and be fully qualified independent pilots on the Dornier aircraft in the Indian Navy. So it's a red letter day for the Indian Navy as it marks the breaching of another wall by the women of India and we are extremely proud to have been a part of this ceremony today. 48वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय नौसेना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। नौसेना में करीब 70,000 नौसैनिक और अधिकारी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या मात्र 400 है। अभी तक नौसेना में महिलाएं प्रशासन, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग और एजुकेशन ब्रांच में ही थीं, मगर अब कॉकपिट के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए हैं।